जय श्री कृष्ण दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको जो है छोटा सा स्टोरी सुनाया था जिनसे बहुत व्यू भी आया, बहुत लोगों ने लाइक भी किया है। तो भगवान विष्णु का जो चौथे अवतार थे उस अवतार का नाम था नरसिम्हा अवतार, और ये कहानी भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसमें प्रहलाद जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और जैसे जब भगवान का जब तीसरे अवतार था बरहा अवतार, उसमें भगवान ने हिरण्यक्ष को वध किया था। हिरण्यक्ष का ही जो दूसरा भाई था उसी का नाम था हिरण्यकशिपु। तो उसके भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए वो विष्णु भगवान से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, और उन्होंने उसके लिए जो है कसम खा रखा था कि मैं विष्णु भगवान को बदला लूँगा, क्योंकि उनके भाई का हत्या कर दिया था उसने विष्णु भगवान जी ने। तो इन्होंने जो है बहुत कड़ी तपस्या किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब खुश होकर इनको बोले कि चलो ठीक है, आपके तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और आप अपना वरदान मांग लो, तो इन्होंने बोला कि मुझे आप अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी को इन्होंने प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने इनको भी वही बोला कि सृष्टि के खिलाफ मैं आपको कोई वरदान नहीं दे सकता। सृष्टि का नियम यही है कि जिसकी जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है, तो आप कुछ और मांग सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कुछ थोड़ा अपना दिमाग लगाया और उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे एक ऐसे वरदान दीजिए जिसमें मुझे ना कोई मानव और ना कोई पशु के हाथ में मेरा मृत्यु हो, ना मेरा मृत्यु आकाश पर हो और ना ज़मीन पे हो, ना मुझे कोई घर में मार सकता है और ना कोई घर के बाहर, ना मेरा मृत्यु दिन में हो और ना ही रात में, ना कोई अस्त्र से और ना कोई शस्त्र से मुझे मार सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसका बात मान लिया और तो बोला ठीक है। अब इसका मतलब इन्होंने हिरण्यकशिपु को ये लगा कि जब इतना सारा कंडीशन मैंने लगा दिया तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा। तो जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनका राज्य वगैरह सारा लोगों ने दूसरे इनसे जो भी जो पावर था उन्होंने छीन लिया। तो जब ये वरदान प्राप्त होने के बाद इनको तो लग गया कि मैंने कंडीशन ऐसे रखा है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। इनके वाइफ जो है इनको जब ये तपस्या कर रहे थे, इनके वाइफ का नाम था कयाधु, जो अपने आप को छुपाते हुए जो है नारद मुनि के आश्रम में गए, जहाँ पे नारद मुनि विष्णु भगवान का वहाँ पे पूजा होता था, उनका भजन होता था। तो वो सुनते हुए देखते हुए इनका हिरण्यकशिपु का जो वाइफ तक आया, तो वो भी विष्णु भगवान का बहुत बड़े भक्त हो गया। वहीं पे वो प्रेग्नेंट भी थे और प्रहलाद के जन्म भी नारद मुनि का आश्रम में ही हुआ। और जब उनका मतलब वो पैदा जब भी से हुआ है प्रहलाद, वो तब से ही भी जो पेट के अंदर से ही मतलब भगवान विष्णु का भजन सुनते हुए आए, तो वो भी बचपन से ही भगवान का काफ़ी बड़ा भक्त थे। यहाँ पे उनके पापा हिरण्यकशिपु को लगा कि जब मुझे कोई मार ही नहीं सकता है तो मैं ही भगवान बन गया। आगे उन्होंने अपने ढूंढते हुए अपने वाइफ को बच्चे को लेके अपने राज्य में आया और फिर से अपना अत्याचार शुरू कर दिया लोगों के ऊपर। धीरे धीरे वो अपने बच्चे को भी बोला कि मुझे बेटा कोई मार नहीं सकता, तो मैं ही भगवान हूँ। और प्रहलाद को बोला कि तुम्हें मेरा ही पूजा करना है, लेकिन प्रहलाद ने बोला कि नहीं, अगर मैं किसी का पूजा करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान का ही पूजा करूँगा, मैं उन्हीं को मानता हूँ, वही भगवान है, आप कोई भगवान नहीं हो। अब इनके पापा हिरण्यकशिपु काफ़ी गुस्सा आया और वो कई बार जो है प्रहलाद को मारने का अलग अलग तरीका निकाला, बट वो कभी सक्सेस नहीं हुआ, प्रहलाद को कभी वो मार नहीं पाए। तो ऐसे ही करते करते फिर एक बार जो है उन्होंने बोला कि नहीं, आज से जो है तुम्हें विष्णु भगवान का पूजा बंद करना पड़ेगा, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम उसका पूजा नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो तुम्हें मैं मृत्युदंड दूंगा, और कहाँ है तुम्हारा विष्णु भगवान। तो प्रहलाद ने फिर बताया विष्णु भगवान हर जगह है, वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, यहाँ वहाँ हर जगह है। तब हिरण्यकशिपु ने एक स्तंभ दिखा के बोला, मतलब जो पिलर है, कि क्या तुम्हारा विष्णु भगवान यहाँ पे भी है। तो प्रहलाद ने बोला जी हाँ, वो वहाँ पे भी है। वो बोलते ही हिरण्यकशिपु में जो बहुत ज़ोर से जो है वार किया उस
स्तंभ के ऊपर, और वहां से जो है भगवान को बहुत गुस्सा आया और भगवान विकराल रूप में, नरसिम्हा वाले रूप में जो बाहर आया, इस रूप का जो है ऊपर के हिस्सा, जो सर का हिस्सा जो है वो शेर का था और बॉडी जो है वो मानव का था, और ब्रह्मा जी का भी जो वरदान था विष्णु भगवान, उसको भी मद्देनजर रखते हुए वही रूप धारण किया। तो दोबारा जो है उन्होंने हिरण्यकशिपु को याद दिलाया कि देख, ना मैं मानव हूँ और ना पशु हूँ। और उन्होंने बोला ठीक है, तो आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि ना मेरा मृत्यु आकाश में हो सकता है और ना ज़मीन पे। वो तो बोला ठीक है, सही बात बोल रहे तू मेरा। उसने जो है अपने जंगे पे रखा हिरण्यकशिपु को, बोला देख, ना तू ज़मीन पे है और ना आसमान पे। ऐसे करते हुए भगवान ने उनको और भी याद दिलाया कि ना तू घर में है और ना घर के बाहर, क्योंकि तुझे मैं चौखट में लेकर आया हूँ। और अब ये भी देख ले, ना यह भी रात है और ना दिन है, क्योंकि वो जो है शाम के टाइम था। तो वो भी उन्होंने हिरण्यकशिपु को याद दिलाया और बोला, ना मैं अस्त्र और शस्त्र दोनों से ही तुझे नहीं मारूंगा, मैं अपने नाखून से तेरे को चीरते हुए तेरे को मारूंगा। और भगवान ने फिर अपने ही नाखून से उनका पेट चीरते हुए उसको वध कर दिया। लेकिन उनको इतना गुस्सा था, क्योंकि प्रहलाद को ये इतना प्यार करते थे कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। लास्ट में प्रहलाद ने जो है भगवान से हाथ जोड़ के विनती किया कि हे भगवान, अब इनका मृत्यु हो गया है, अब शांत हो जाओ। तब जाके जो है विष्णु भगवान शांत हुए। और उसके बाद जो है ऐसे आप कहीं कई जगह फोटो दिखा होगा कि नरसिम्हा के गोदी में जो है प्रहलाद जी बैठे हुए हैं। तो ये छोटा सा स्टोरी, अगर उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको और भी जानकारी देता रहूँगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और भी ऐसे और भी अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता रहूँगा। ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।